Hello guys, welcome back to Economic Decode once again. Today we are going to talk a most favorite topic, which is very easy topic to remember, that is WTO, which all we know known as World Trade Organization. So we are going to start the introduction. So India is a founder member of GATT in 1947. WTO, that is your World Trade Organization, came existing 1st of January 1995, replaced GATT, which is known as General Agreement of Tariff and Trade. India became the founder member of WTO by ratifying the WTO agreement on 13th of December 1994. It incorporates the Arthur Jukal proposal, that is a Jukal draft with respect of international trade and trade related matters, right? सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि हम इंडिया जो है हमारी कंट्री जो हमारी नेशन जब GATT फॉर्म हुआ था 1947 में GATT का था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड GATT के लिए भी हर एक कंट्री ने जो है अपनी खुद की दे हैड सेटअप यूनियन टुगेदर दैट हम जिस तरह से भी ट्रेडिंग करेंगे सो वी आर गोइंग टू फॉलो ऑल द रूल्स दैट इज़ नोन एज GATT. Right, so in that particular time India was also part member of that particular agreement. Later on GATT jo tha, that is General Agreement of Trading and Trade, yeah, so because of that what happened, GATT mein jo hai rules and regulation kam the और मेंबर्स कम थे. सो व्हाट दे डिसाइडेड GATT जो थे उसी को जो इम्प्रूव किया जाए एंड दे हैड नोन एंड दे हैड गिवन सर्टन अदर नेम दैट इज आर्थर जुकल प्रपोजल दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन व्हाट इज दैट. ऑन 1st of January 1995 GATT को जो है रिप्लेस किया गया WTO में. सिंपल है, अगर आप इतना इंट्रोडक्शन में लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, बट यू हैव टू राइट द ईयर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड विच इज़ कंपल्सरी. दैट मीन्स व्हाट इज़ GATT डे, द फुल फॉर्म ऑफ GATT, WTO फुल फॉर्म क्या है WTO का, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे यू कैन रिमेंबर. देन वी कैन सी इन सेकेंड पैराग्राफ द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ WTO, or else we will see later on, this is not that important point. Then we will see WTO, World Trade Organization, came existing in 1st of January 1995, replacing GATT, right, with the membership of 81 countries. 81 countries jo hai WTO ke members hai, the membership has since increased. 81 थे जब 1995 में रिप्लेस किया गया GATT को WTO से, अभी जो है करंटली 164 है. तो WTO इट्स अ काइंड ऑफ सेटअप फॉर द एग्रीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द टेरिफ्स एंड ट्रेड व्हेन टू नेशन और मोर देन दैट दे आर इंडल्ज फॉर द ट्रेडिंग सिस्टम. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर. सो WTO के प्रिंसिपल क्या क्या थे, WTO क्यों सेटअप किया गया, ऑन विच प्रिंसिपल द WTO सेटअप. नॉन डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट है, देन देयर आर मेनी सब पॉइंट्स. नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स WTO सेटअप किया गया कि अगर आप हमारे WTO के मेंबर हैं तो हम किसी भी नेशन को फेवर नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि USA की इकोनॉमी ज़्यादा है तो हम USA को सपोर्ट करेंगे ट्रेडिंग में, राइट right? अगर UAE में जो है OPEC ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे. नो, ऑल द नेशंस आर गोइंग टू ट्रेड इक्वली फॉर द ट्रेडिंग. If there are any disputes also, they are going to resolve the disputes of both the nation in respect of trading whenever there is a correct decision has to be taken care. उसमें first आता है most favored nation. This is one topic. Most favored nation WTO committee is a part of its signatory. It given all the signatories the most favored nation status. Most favored nation means that each member should treat all other members equally. Most favored nation. सारे nation जो है वो WTO के जो है favorable ही है, कोई हमारा ज़्यादा favorable है कोई कम favorable है, इस तरह से discrimination नहीं होगा. Nation treatment सबको equal मिलेगी, जो है हम किसी भी nation की economy के basis पे किसी भी nation को जो है treatment हम decline या फिर कम treat नहीं करेंगे. हम हर एक कंट्रीज़ के जो ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है हम अक्नॉलेज करेंगे एज अ WTO. दे आर गोइंग टू अक्नॉलेज दैट एंड दे आर गोइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. देन फ्री ट्रेड ज़रूरी है, राइट,
अगर नेशन में जो है सपोज इफ द नेशन इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम ड्रॉट एंड फॉर एनी अदर अर्थक्वेक और एनी अदर साइक्लिकल इश्यूज, देन द फ्री ट्रेड जोन हैज़ टू बी अनाउंस फ्रॉम WTO. देन प्रेडिक्टेबिलिटी होता है. व्हाट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी? प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या? प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ट्रेडिंग सिस्टम हैज़ टू बी अटेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस एनवायरमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल. आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. प्रेडिक्ट मतलब क्या? नाउ द नेक्स्ट ईयर मे बी देयर कंट्री मे फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन और इट्स ऑलरेडी कंट्री इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन. देन यू कैन प्रेडिक्ट द प्राइज ऑफ प्रोडक्ट एंड यू कैन डिक्रीज द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट. प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस, देयर हैज़ टू बी रिडक्शन इन मोनोपोली. इवन ओपेक ऑल्सो दे शुड नॉट क्रिएट मोनोपोली टू द नेशन, टू द अदर नेशन, बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर द क्रूड ऑयल. दैट इज़ ऑल्सो टू मेंटेन हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, हर एक कंट्री की जो है डेवलपमेंट को है एनकरेज करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेडिंग को बूस्ट करना है. इन ऑल्सो हेल्पिंग द नेशन टू डू मोर एक्सपोर्ट एंड अगेन फॉर इंक्रीजिंग हेल्दियर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म. दैट इज़ अगेन द मेन प्रिंसिपल. द फंक्शंस ऑफ WTO, फंक्शंस ऑफ WTO दैट वी विल सी नाउ. द फंक्शंस क्या क्या है? टोटल जो है 5 फंक्शन जो एक्सप्लेन किए गए हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन? WTO क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट मीन दे ऑल्सो टेक ऑल द थिंग्स इनटू अकाउंट कि हर एक ट्रेडिंग जो है किस तरह से है इंटरनेशनल मार्केट में. जो कोई कंट्री, एक ABC कंट्री XYZ कंट्री से अगर ट्रेडिंग करती है, देन हाउ मेनी ईयर्स दे आर इनटू द सेम बिजनेस, व्हाट प्रोडक्ट दे आर इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग विथ ईच अदर, दे आर यूजिंग विच पॉलिसी. सेकेंड, प्लेटफॉर्म ऑफ निगोसिएशन. If your nation require in on a very on high demand, they require certain product, but maybe that country is charging very high rate for you, then there is a platform of negotiation. You can take help of WTO कि ये कंट्री जो है हमारे से ज़्यादा प्राइजेस की रिक्वायरमेंट कर रही है, then it is possible for the negotiation, right? So that also you can convey message to the WTO. They will also going to take interfere into that and they are going to resolve the problem. Administrating TRIPS, what is that? WTO has been also administrative, which is your trade policy review mechanism. ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज़ जो है ट्रेडिंग के जो पॉलिसीज़ है जो WTO ने सेटअप किए गए हैं, दे आर गोइंग टू रिव्यू दैट. इफ़ दे आर गोइंग टू चेंज, देन दे आर गोइंग टू make the announcement for that. And the last one, which is a fifth one, very easy, economic coherence. That means economic coherence, as I had given here, economic coherence, that means ekjut se jo hai ek kaam karna jo as a team, as a union, right? The WTO work as a view achievement ग्रेटर इकोनॉमिक कोहरेंस. एक अच्छी इकोनॉमी बनाने के लिए हर एक नेशन को जो है बूस्ट करना, हेल्प करना फॉर इंक्रीजिंग देयर ट्रेडिंग. किसी भी नेशन की अगर ट्रेडिंग बढ़ती है तो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अर्न करना जो है पॉसिबल हो जाता है, एंड फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वो उनकी नेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द रीपेमेंट ऑफ देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. So these are all related to WTO. We will see the structure also in next video. Hope you like it, friend. Thank you for watching Economic Decode.